नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं शिल्पा गुप्ता। साल 1948 में मुंबई के चेंबूर में एक स्टूडियो की शुरुआत की थी। वो स्टूडियो था आरके स्टूडियो, जहां बड़ी बड़ी फिल्में बनी। राज कपूर ने आरके स्टूडियो की शुरुआत की थी। कपूर्स ने हमेशा आरके स्टूडियो को अपने दूसरे घर की तरह माना है। 70 साल से बने इस ऐतिहासिक स्टूडियो में 16 सितंबर को आग लग गई थी। ये आग सुपर डांसर के सेट पर लगी थी और इसका एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। घटती आमदनी, बढ़ते खर्च और रख रखाव में कठिनाई के चलते कपूर भाइयों ने इसे बेचने का फैसला किया है। कपूर फैमिली को लगता है कि इसका रेनोवेशन कराना सही नहीं है, क्योंकि इसमें काफी खर्चा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज नहीं है। आज हम आपको आरके स्टूडियो के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। ये इतनी ऐतिहासिक इमारत क्यों है? क्यों कपूर भाइयों को इसे बेचने में इतना दर्द हो रहा है? शुरुआती दिनों में आरके बैनर के तले 1948 में फिल्म आग बनाई गई थी, जो कि स्टूडियो की पहली फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन ये स्टूडियो तब सक्सेसफुल बना जब साल 1949 में फिल्म बरसात रिलीज हुई। उसके बाद से बैनर एक के बाद एक सक्सेसफुल मूवीज देने लगा। साल 1951 में फिल्म आवारा, जागते रहो, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली जैसी सक्सेसफुल मूवीज थी। बात करें इस स्टूडियो के लोगो की, तो आपको बता दूं स्टूडियो का लोगो फिल्म बरसात के एक सीन से लिया गया है। आज के स्टूडियो को उसकी शानदार पार्टियों के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, 60s में राज कपूर ने इस स्टूडियो में ग्रैंड होली और गणेशोत्सव की पार्टी दी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीना तमान, नरगिस जैसे बॉलीवुड स्टार भी एज अ गेस्ट शरीक हुए थे। राज कपूर ने कभी भी इन पार्टीज में मीडिया के लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन पार्टीज का जिक्र अखबार या किसी मैगजीन में हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस स्टूडियो का ये है कि साल 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह का मैरिज सेलिब्रेशन 20 दिन तक इसी स्टूडियो में चला था। यहाँ तक कि उनका रिसेप्शन भी इसी स्टूडियो में हुआ था। साल 1988 में राज कपूर के निधन के बाद उनके बड़े पुत्र रणधीर ने स्टूडियो की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। एक समय ऐसा भी आया था जब राज कपूर को आरके स्टूडियो गिरवी रखना पड़ा था। दरअसल फिल्म मेरा नाम जोकर को बनाने के लिए राज कपूर ने काफी पैसा खर्च किया और इसके लिए आरके स्टूडियो गिरवी भी रखना पड़ा। मेरा नाम जोकर रिलीज होने के बाद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, जिससे राज कपूर को गहरा सदमा पहुंचा। बाद में ऋषि कपूर को लॉन्च करके बनाई गई बॉबी। बॉबी की कामयाबी से राज कपूर ने आरके स्टूडियो का कर्ज चुका लिया। अब आपको बताते हैं स्टूडियो को बेचने के फैसले पर परिवार की तरफ से ऋषि कपूर ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कपूर परिवार इस फैसले को लेकर काफी भावुक है, इससे हमारा एक खास लगाव है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि छाती पर पत्थर रखकर ये फैसला लेना पड़ा है। रणधीर कपूर ने बताया, हाँ, हमने आरके स्टूडियो को बेचने का फैसला किया है, ये बिक्री के लिए उपलब्ध है। बॉलीवुड के लिए दुख की बात यह है कि आइकॉनिक आरके स्टूडियो कुछ महीनों बाद बस एक सुनहरी याद बनकर रह जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही बॉलीवुड की रोचक खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।